नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम बीके हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। बीके अस्पताल के अंदर हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरा परिवार है। और ये जो व्यक्ति आपको स्ट्रेचर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका पैर टूटा हुआ है, बता दें आपको अभी सुबह सुबह एक ट्रक वाले ने मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ था वो हम जानेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या हुआ था पूरा बताएं। मैं सीधे साल्ट था, वो उल्टी साल्ट से आ रहा था, बड़ा वाला ट्रक था, उसने साल्ट से टक्कर मारी तो मैं पाइप पहिया के नीचे चला गया। साइकिल था मेरे पास और उसके बाद में उसने पहिया चढ़ा दिया, मैं हो गया तुरंत। तीन चार आदमी मेरे को उठा के उधर बाहर कर दिया और ट्रक वाले को रोक लिया। घनश्याम जी कहाँ रहते हैं? डबुआ कॉलोनी। डबुआ कॉलोनी रहते, तो कहाँ जा रहे थे? मैं जेल आटो में काम करते थे, 24 सेक्टर में, वहीं जा रहा था। साढ़े सात बजे का टाइम था। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ ये? सारंग चौक, प्रेस कॉलोनी, आई सी चौक पे, सारंग चौक के पास। तो आप जा रहे थे तो वो ट्रक वाला कैसे, कोई तेज आ रहा था? तेज नहीं आ रहा, तो साइड आ रहा था। अब मैं सीधी साइड जा रहा था, जिस साइड, हाँ, कि वो गोल चक्कर था उसको उल्टी साइड से जाना चाहिए, उधर साइड से, वो उल्टी साइड से आ गया, बड़ा वाला ट्रक था दट्टैया, तो उसने टक्कर मारा, तो टक्कर मारने के मैं गिर गया साइकिल, तो उसने पहिया चढ़ा दिया मेरे पैर पे। अच्छा। हाँ, फिर रोक लिया लोगों ने। हाँ। तो मेरे को उठा लिया, उसको रोक लिया, अब फिर पता नहीं क्या हुआ। गाड़ी लेके आई अब यहाँ को इलाज के लिए सर। उसके बाद कहाँ, वहाँ पुलिस पहुँच गई जी? पुलिस सर मौके पे थी, पहुँच गई थी, पुलिस ही लेके आई इन्हें। लेकिन अब सर ये चाहते हैं कि इनका इलाज कैसे हो। ट्रक जो था वो ट्रक भी पकड़ा गया और ट्रक चला गया है सर, थाने में है, ड्राइवर भी थाने में है शायद। हम तो इन्हें लेके चले आए और लेकिन वो ट्रक वाला बोल रहा था कि मैं बाहर बाहर ट्रक छुड़ा लूंगा। ये मुझे बात बुरी लगी। और यहाँ कोई है भी नहीं, यहाँ पैसे नहीं इलाज के लिए, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ थोड़े बहुत बाहर से कराने होते हैं, पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे सर? ये दो महीने से बैठा हुआ है। ट्रक वाला बोल रहा था कि मैं छुड़ा लूंगा। हाँ, ट्रक वाला बोल रहा था कि मैं बाहर से ट्रक छुड़ा लूंगा, मेरे बंदे को एक को धमकी दे रहा था। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि उसे पकड़ रखा है या नहीं पकड़ रखा है? जानकारी में है, लेकिन ट्रक सारंग थाने में, सारंग थाने में है सर, ड्राइवर भी थाने में है। हाँ, पुलिस कंप्लेंट कर ली है, जो बाकी बचे वो करी जाए, सही इलाज हो, और बस यही चाहते हैं कि हमारे मरीज का इलाज हो सही से। आप कौन है? मैं घरवाली हूँ इनकी। तो आपको कैसे पता लगा? मेरे को मेरे भतीजा ने फोन किया कि बुआ फूफा का एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाइए सारंग पे। तो फिर मैं आई, मैं बच्चे को तैयार कर रही थी स्कूल भेजने के लिए, फिर मैं आई तो मेरे को वहाँ मिले नहीं। फिर सबने बताया कि बीके हॉस्पिटल में पुलिस इनको लेके गई है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने उससे बोला कि मेरा दवाई कराई है घर वाले की पहले, तो उसने बोला कि मैं बाहर बाहर छुटा लूंगा। तो ड्राइवर मिल गया था आपको? हाँ, ड्राइवर मेरे को मिल गया था। ट्रक मालिक था कि ड्राइवर था? ट्रक मालिक था शायद, कोई मेरे को पक्का नहीं पता कौन था ट्रक। हाँ, वो आके यहाँ पे बोला दवाई कराओ, दवाई के लिए मैं पैसे दूंगा पर और कुछ नहीं कर सकता, और ज्यादा वो तुम बकचोदियाँ करोगे तो मैं बाहर से बाहर ही छुटा लूंगा। अच्छा। घर पे भी नहीं, आपको कोई पता नहीं चलेगी, पता नहीं चलेगा, और बाहर ही ट्रक छुड़ा लूंगा अपना, और ना पैसे दूंगा ना कुछ। हाँ, ना पैसे दूंगा, और नहीं तो आराम से शांति से रहो, मीडिया वाले को बुलाओ मत, मीडिया वाले को बुलाओगे तो कोई कारोबारी नहीं करेंगे और ना कोई हम पैसे देंगे। हाँ, ऐसे बोल रहा है कि इससे अब इनका, मेरा कहने मतलब जो भी इलाज हो इलाज कराया जाए इनका, अब मेरा जब तक ये घर वाले बैठे रहे मैं किराया। सही बात है, क्योंकि ड्यूटी करते हैं तो जो छुट्टी होंगी, जो पैसे कटेंगे इनके, वो सारा हर्जाना, और जो इलाज में जो भी खर्चा होगा और जो खाने पीने में जो भी होगा वो सारा दिया जाए। मेरा 4000 रुपए किराया है उसका, कमरे का किराया है, मैं सेपरेट ले रखी हूँ, और मेरा घर बच्चे दोनों स्कूल वाले मेरे स्कूल जाते, मेरा कमाने वाला एक है, हमारा 4 खर्चा है। हाँ, मेरा कोई यहाँ पे है नहीं, मैंने गांव से बुलाया अपने भाई भतीजे को, वो आए हैं, रहते थे अलग अलग। क्या पैर में फ्रैक्चर है? इन्फेक्शन है, कई जगह से इन्फेक्शन है, उसका ऑपरेशन होगा, और उसका कोई पता नहीं कब तक ये ठीक होगा, और जब तक ना ठीक हो तब तक उसका भरपाई की जाए कि हमारा पैसे मिले, और कितना पैसा लगे वो मेरा पैसे लगाए यहाँ पे, और मेरा घर का पूरा खर्चा झेले जो भी लगे, और प्राइवेट में इलाज कराऊंगी इसका। प्राइवेट में इलाज कराएंगे। उसका कोई नंबर है, ट्रक का नंबर है क्या? चोट लगा है बाजू में, भी चोट लगा, पैर में काफी चोट है, उसका ऑपरेशन होगी।
तो वहाँ जहाँ कंपनी जाते हैं वहाँ फोन कर दिया था क्या? हाँ कंपनी में सूचना दे दी क्या? हाँ कमरे वो कंपनी के बंदे थे, प्राइवेट कंपनी का कोई सुनवाई नहीं होगा वहाँ, कंपनी ने बता दिया था ना कि ऐसे। हाँ कंपनी के बंदे बता दिया, मैंने तो बताया नहीं, ठेकेदारी कंपनी है। हाँ ये देख सकते हैं फरीदाबाद, ये गाड़ी का नंबर है, ये आप देखें ट्रक है, ये H-438A और ये देखें थोड़ा सा AD-7474 ये देखें साफ न, एक मिनट ऐसे रुको, रोक के रखो एक बार, एक मिनट बस, ये देखें फरीदाबाद H-438AD-7474 ये उस ट्रक का नंबर है जिस ट्रक ने इनको टक्कर मारी, और आज सुबह सुबह की घटना है। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं परिवार वाले बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि मीडिया को मत बुलाना और किसी को मत बताना, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ 10-15 हज़ार रुपए इन लोगों को बोल के ले लो छोड़ दो, जैसा बोला था क्या कि 10-15 हज़ार कि जो दवाई के लिए पैसे लगेगा वो मैं दे दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। अभी क्या पता कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे, क्या होगा अभी नहीं, मेरे घर वाले का गला लग जाए तो मैं क्या करूंगी बताओ, मेरे घर वाले कोई दिक्कत होगा मेरा कौन पूरा करेगा बताओ, मैं कैसे करूंगी, मेरा कोई सहारा नहीं इनके सिवाय। परदेश में हम किराए पे रह रहे, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए, पता भी नहीं, मेरा एक लड़का है 6 साल का, लड़की 4.5 साल की है, दोनों स्कूल गए हुए, और उसे मेरे को ये चाहिए कि जो भी खर्चा आए खर्चा लगाए, इलाज इनका करवाए जब तक ठीक नहीं होता, जब तक ठीक नहीं होते, अब मेरा घर का पूरा खर्चा झेल है जब तक ठीक नहीं होता। हाँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। परिवार कहाँ रहने वाले, कहाँ से? यूपी के जिला हरदोई के। प्रवासी लोग हैं और यहाँ कमाने खाने के लिए आए, अपने बच्चे पालने के लिए, यहाँ नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी करते हैं, और आज सुबह जब ये ड्यूटी जा रहे थे साइकिल से, जैसा कि बता रहे हैं, सारण चौक पर किसी ट्रक वाले ने इनके पैर पर चढ़ा दिया, ये देख सकते हैं पूरा पैर जो है, ये देखें पैर टूट गया, पूरा पैर है टूट गया है, और अभी काफ़ी टेस्ट भी हुए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, और कुछ टेस्ट बाहर से भी हुए हैं, जो टेस्ट यहाँ नहीं थे वो कुछ बाहर से भी हुए हैं, पैसे लगे हैं उनमें, और ये पैसे देने में भी सक्षम है, तो ये चाहते हैं कि इनकी मदद हो, और जो भी ट्रक मालिक है वो इनके साथ कोऑपरेट करे, और जो भी इनका खर्चा है, जो पैसा लगे, जो दवा दारू में, वो जरूर लगाए और इनकी मदद करे परिवार की, और ये कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।